नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और अनुसंधानिका के आज के अंक में देखिए, भाभा कवच पर हर बुलेट बेअसर, नवजात शिशुओं में पीलिया की जांच महज 3 सेकंड में, और एक शोध के मुताबिक मौजूदा प्रदूषण के चलते औसतन 2.3 साल घट रही है लोगों की आयु। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क ने एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच विकसित की है जो आतंकियों की सबसे खतरनाक स्टील बुलेट को भी बेअसर कर देती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये देखा गया है कि कई बार आतंकवादी सुरक्षा बलों से भी अच्छे हथियार हासिल कर लेते हैं। कुछ समय पूर्व कश्मीर में पाया गया कि आतंकी अपनी राइफलों में स्टील बुलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे सुरक्षा बलों की मौजूदा बुलेट प्रूफ जैकेट बेअसर नहीं कर पाती है। ऐसी गोली जवानों की मौत की वजह बन जाती है। इस खतरे से निपटने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ने एक ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच विकसित की है जो आतंकियों की सबसे खतरनाक स्टील बुलेट को बेअसर कर देती है। परीक्षणों में पाया गया है कि AK-47 राइफल से चलाई गई 7.6x39mm की हार्डकोर स्टील बुलेट भी भाभा कवच को भेद नहीं पाती। SLR एवं इंसास राइफलों से चलाई गई गोली भी भाभा कवच पर बेअसर हो जाती है। गृह मंत्रालय ने इस बुलेट प्रूफ जैकेट को सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। इस वर्ष 6 फरवरी को बार्क में आयोजित कार्यक्रम में बार्क के निदेशक डॉक्टर AK मोहंती ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के महानिदेशक राजेश रंजन को भाभा कवच बुलेट प्रूफ जैकेट सौंपी। CISF इनका इस्तेमाल कर रहा है। इस जैकेट की जांच DRDO भी कर रहा है, जिससे सेना में भी इसे उपयोग किया जा सके। दरअसल कश्मीर में स्टील बुलेट के खतरे के बाद इसे सेना से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भाभा कवच एक हार्ड स्टील कोर बुलेट प्रूफ जैकेट है, जिसमें अल्ट्रा हार्ड बैलिस्टिक स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी एक अलग से लेयर बुलेट प्रूफ जैकेट में डाली जाती है। ये लेयर स्टील बुलेट को भी रोकने में कारगर होती है। दरअसल स्टील से निर्मित गोली की तीव्रता सामान्य गोलियों से ज्यादा होती है, इसलिए अभी जो बुलेट प्रूफ जैकेट सेना एवं अर्धसैनिक बलों के पास है, स्टील बुलेट उसे भेद देती है। भाभा कवच जैकेट हार्ड प्रेशर्ड बोरोन कार्बाइड और कार्बन नैनोट्यूब पर आधारित है। ये जैकेट गोली के खतरे के स्तर 3 या उससे भी ज्यादा खतरे से संरक्षण प्रदान करती है, जो अत्याधुनिक तकनीक है। जैकेट की एक और खूबी ये है कि इसका वजन मौजूदा बुलेट प्रूफ जैकेट की तुलना में कम है। इसका वजन महज 6.6 किलोग्राम है। बुलेट प्रूफ जैकेट के हालांकि बाजार में सैकड़ों मॉडल हैं, लेकिन सुरक्षा बलों में इस्तेमाल होने वाली जैकेट आमतौर पर 10 किलो या उससे भी भारी होती है। रक्षा मंत्रालय भी सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट की खरीद करता है। नई सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना में बुलेट प्रूफ जैकेट के मानकों में बदलाव किया जा रहा है। यदि बार्क की बनाई ये जैकेट DRDO के परीक्षणों में सफल रहती है, तो फिर सेना भी इसका इस्तेमाल शुरू कर देगी। वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में पीलिया की जांच की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो महज 3 सेकंड में शिशु के रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बता देती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के वैज्ञानिकों ने नवजात शिशुओं में पीलिया की जांच की एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिसमें बच्चे को छूने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही शिशु के रक्त का नमूना लेना होता है। दूर से ही ये जांच की जा सकती है। जांच में महज 3 सेकंड का वक्त लगता है, जबकि अभी ऐसी जांच के लिए शिशु के रक्त का नमूना लेना पड़ता है और इसकी रिपोर्ट आने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं। ये जांच एक नई विकसित उपकरण AJO-NEO के जरिए होती है, जो स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक पर आधारित है। इस उपकरण से निकलने वाली एक रोशनी बच्चे के नाखूनों से होकर वापस लौटती है, जो महज 3 सेकंड में शिशु के रक्त में बिलिरुबिन का स्तर बता देती है। इस तकनीक के कई फायदे हैं। शिशु को दर्द से छुटकारा मिलता है,
क्योंकि रक्त का नमूना लेने में शिशु को पीड़ा होती है। रक्त की भी बर्बादी होती है क्योंकि कम से कम 2 ml रक्त जांच के लिए लेना पड़ता है। तीसरा, शिशु को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे संक्रमण का खतरा भी टल जाता है। चौथा, समय की काफी बचत होती है। एक फायदा यह भी है कि इसी उपकरण के जरिए रिपोर्ट को कुछ ही सेकंड में कहीं भी ट्रांसमिट किया जा सकता है। दरअसल नवजात शिशुओं को पीलिया होने की स्थिति में ब्रेन हैमरेज का खतरा रहता है, जिसे कैर्निक टेरस कहते हैं। इससे बचने के लिए शिशु में पीलिया संक्रमण की जांच की जाती है। ये जांच रक्त में मौजूद बिलीरुबिन के स्तर से होती है। यदि बिलीरुबिन का स्तर तय मानक से ज्यादा होता है तो इसे पीलिया का संक्रमण माना जाता है और तुरंत उपचार शुरू किया जाता है, जिससे मस्तिष्क की क्षति के खतरे को रोका जा सके। आजकल जन्म के एक सप्ताह के भीतर लगभग 50% से ज्यादा बच्चे इस प्रकार के खतरे से गुजरते हैं। ये एक सिट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, सो बिना खून लेके विदाउट ब्लड विदाउट टचिंग वो हम जो कर रहा है वो नाखून के ऊपर एक लाइट, वो जो सफेद वाला जो एलईडी है और एलईडी का लाइट इधर साइन करना होगा। सो वो लाइट फ्यू माइक्रोन डिस्टेंस ट्रैवल करेगा नाखून का अंदर। नाखून का अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स है, वो ब्लड वेसल्स वो लाइट टच करेगा। इसका बाद जो रेट्रो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो रेट्रो रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोगों का स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कैप्चर करेगा। ये कैप्चर करने का बाद वो कंप्यूटर का साथ जाएगा, उधर ही वो जो डाटा जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिग्नल जो है वो एनालिसिस करने का बाद हम लोग बता सकता जे ये इसका बिलीरुबिन लेवल क्या है। तो बिलीरुबिन लेवल तो पीलिया का एक मार्कर है। बिलीरुबिन वो बहुत डेंजरस मॉलिक्यूल है, वो जो मॉलिक्यूल जो है बढ़ जाता है आपको बॉडी का अंदर, वो मॉलिक्यूल का कैपेबिलिटी है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने का। सो ए ब्रेन का अंदर जा सकता, जाके ब्रेन को कलाप्स कर दे सकता। आने वाले समय में कोई व्यक्ति कितने साल तक जिएगा यह काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वह जहां रह रहा है वहां प्रदूषण का स्तर कैसा है। जी हां, प्रदूषण ज्यादा होने से भारतीयों की जीवन प्रत्याशा घट रही है। एक शोध में दावा किया गया है कि मौजूदा प्रदूषण के चलते लोगों की आयु औसतन 2.3 साल घट रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। यदि प्रदूषण के मौजूदा स्तर में 25% की कमी लाई जाती है तो इससे आयु में 1.3 साल का इजाफा हो सकता है। यह आकलन वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक AQLI से किया गया है। ये सूचकांक बताता है कि जीने के लिए जिस गुणवत्ता की हवा मिलनी चाहिए वो मिल रही है या नहीं तथा इसके परिणाम क्या हैं। इस सूचकांक को शिकागो विश्वविद्यालय ने गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया। इसी सूचकांक के आधार पर वायु प्रदूषण के खतरे का जीवन प्रत्याशा पर आकलन किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय में साउथ एशिया के निदेशक अनंत सुदर्शन के नेतृत्व में ये शोध किया गया। शोधकर्ताओं ने भारतीय मानकों एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानकों के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों का आकलन किया। उदाहरण के लिए यदि देश में मौजूदा प्रदूषण का आकलन WHO के मानकों के अनुरूप करें तो जीवन प्रत्याशा 5.2 वर्ष तक और भारतीय मानकों पर 2.3 वर्ष घट रही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 दशकों में भारत में प्रदूषण कणों यानी PM10 एवं 2.5 में 42% का इजाफा हुआ। पूरे देश में प्रदूषण WHO के मानकों से ज्यादा है और इससे 130 करोड़ की आबादी प्रभावित है। जबकि यदि भारत सरकार द्वारा तय मानकों को भी सही माना जाए तो भी देश की 84% आबादी प्रदूषण की चपेट में है। रिपोर्ट में कहा गया कि देश की 1/4 आबादी ऐसे गंभीर प्रदूषण में जी रही है जैसा दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता, जिसमें ज्यादातर उत्तर भारतीय आबादी है।
इसी शोध में ये भी कहा गया कि WHO के मानकों पर खरा न उतरने के कारण दिल्ली वालों की जीवन प्रत्याशा 9.4 वर्ष और भारतीय मानक के अनुसार 6.5 वर्ष कम हो सकती है, जबकि उत्तर प्रदेश में लोगों की आयु 8 वर्ष घटने की आशंका है। केंद्र सरकार ने शहरों की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत 2024 तक प्रदूषण में 20-30% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार यदि प्रदूषण में 25% कमी लाने में सफलता मिलती है तो राष्ट्रीय औसत आयु में 1.6 वर्ष और दिल्ली वालों की औसत आयु में 3.1 वर्ष का इजाफा हो सकता है। प्रदूषण में कमी लाकर यदि उसे WHO के मानकों के अनुरूप किया जाए तो बिहार और पश्चिम बंगाल में लोगों का जीवन 7 साल और हरियाणा में 8 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अनुसंधानिका के इस अंक को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी राय हमें नीचे लिखे पते पर भेज सकते हैं। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।